इस कहानी की सारी बातें पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी से इसका कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं आरजे अमित, और आज की जो पॉजिटिव स्टोरी है ये एक पिता और उसके बेटे के बारे में होती है। पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते उनकी पतंग बहुत ऊंचाई तक जाती है। अब बेटा बड़ा खुश होता है, कहता है कि पापा पतंग इतनी ऊंचाई तक गई है, इस धागे को तोड़ दूं क्या, पतंग और ऊंचाई पे जाएगी। तो उसके पापा मुस्कुराते कहते हैं कि हाँ ठीक है तोड़ दो। जैसे वो तोड़ता है, लड़का देखता है कि पतंग उनकी कुछ ऊंचाई तक तो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आने लगती है और आकर किसी एक बिल्डिंग के टेरेस पर गिर जाती है। अब लड़का दुखी होता है, पापा से कहता है पापा ये तो नीचे आके गिर गई। तो उसके पापा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें ये धागा तोड़ने दिया, ताकि तुम इस चीज को समझो कि जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम जब ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हो, हमें लगता है हमें और ऊंचा जाना है, और अब वो लोग जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें संभाला था, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अब उनकी जरूरत थोड़ी है, मैं उनके बिना ही ऊपर चले जाऊंगा, जाते रहूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं ऐसे सिचुएशन में कि वो लोग जो ऐसे समय हमारे साथ थे, उन्होंने हमें थाम के नहीं रखा था, बल्कि वो सपोर्ट दिया था जिसके बदौलत हम ऊपर थे, और फिर वही जैसे ही वो सपोर्ट टूटा आप नीचे आए। तो इसी थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे, और ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाते रहता हूं रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। रग रग में दौड़े पटना, स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी। Radio City. 91.1 FM.